अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई मोहम्मद वकास आपके लिए लेटेस्ट वीडियो टेक्नोलॉजी के हवाले से लेकर आता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि यूट्यूब की जो है नई अपडेट आई है, तो मैंने सोचा कि शॉर्ट सी वीडियो में आपको बता दिया जाए कि जो नई अपडेट आई है वो कौन सी आई है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद जो अपडेट है वो आई है। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले जो अपडेट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वो है डिसलाइक और लाइक। क्योंकि हमारे हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें आपने देखा होगा, एक साइड पे लाइक होते हैं और एक साइड पे डिसलाइक होते हैं। जो डिसलाइक होते हैं वो उनके नंबर भी शो हो रहे होते हैं। वीडियो अपलोड किए हमें 2-3 मिनट होते हैं, जो हमारे हिटर होते हैं, जो हमें हिट करते हैं, वो जो है हमारी वीडियो को देखे बिना ही डिसलाइक कर देते हैं। तो जो डिसलाइक है वो अपडेट क्या आई है कि अपडेट में उन्होंने कहा है यूट्यूब ने कि जो डिसलाइक है वो आपके नंबर जो है वो शो नहीं कराए जाएंगे। जैसे कमेंट में आप देखते हैं कि डिसलाइक जो है वो डिसलाइक भी आप कमेंट पे करें तो वो शो नहीं होता, नंबर नहीं शो होते। तो इसी तरह से जो है वो आपकी वीडियो के नीचे जो लाइक और डिसलाइक है वो लाइक शो होंगे लेकिन डिसलाइक जो है वो शो नहीं होंगे। तो ये एक बहुत कमाल की जो है अपडेट है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, आपको भी पसंद आई होगी। और नंबर दो पर जो है वो है प्री पब्लिश चेक। प्री पब्लिश चेक क्या होता है? प्री पब्लिश चेक ये होता है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, ये जो है यूट्यूब ने काफ़ी सारे यूट्यूबर को दी हुई थी ऑप्शन के प्री पब्लिश चेक जो है वो, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद दरअसल ये है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, अपलोड करते वक्त पब्लिश करने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपके कॉन्टैक्ट में कौन सा जो हिस्सा है वो पार्ट है जो कॉपीराइट आ सकता है, इस पर क्लेम आ सकता है। तो इस पे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, ये आप इसे सही करें। तो ये था। तो जो हमारी तीसरी अपडेट है वो है डिस्क्रिप्शन के बारे में। डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या अपडेट आई है? डिस्क्रिप्शन के बारे में ये अपडेट आई है कि आप अपनी वीडियो के पार्ट बना सकते हैं। जैसा कि एक मेरी ये वीडियो है, इसकी जो है आप पार्ट जो है डिस्क्रिप्शन में बना सकते हैं। जैसा कि आपको इधर तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे, इस तरह से आप पार्ट बना सकते हैं। अगर किसी यूट्यूबर को, किसी को जो हमारी वीडियो है उसका एक हिस्सा पार्ट का चाहिए, वो देखना चाहता है, तो वो दूसरी वीडियो स्किप करे बिना वहां पर पहुंचना चाहता है, तो वो पार्ट जो है वो पार्ट पे जैसे मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा और साथ में पार्ट्स भी उनके बना दूंगा, तो ये पार्ट्स हैं, तो वो पार्ट्स पे क्लिक करके जो पार्ट्स उसको चाहिए वो उस पर देख सकेगा, वीडियो पे क्लिक करके, पार्ट्स पे क्लिक करके। तो ये एक काफी अच्छी अपडेट्स है। और नंबर चार पर हमने जिसको रखा है वो भी काफी ज्यादा मशहूर और बेहतरीन जो है वो अपडेट है। तो बताते हैं आपको कौन सी वो अपडेट है। तो नंबर चार पर है ट्विटर। ट्विटर की अपडेट आप कह रहे होंगे कि यूट्यूब पे क्यों बता रहे हैं? इसका मकसद ये है कि ट्विटर की जो अपडेट है ये यूट्यूब ने अपडेट की है। ट्विटर जो है वो साथ मिलकर यूट्यूब के जो है वो अपडेट ये निकाल रहे हैं कि अगर आप यूट्यूब का लिंक जो है वो ट्विटर पर शेयर करते हैं तो वो, अगर ट्विटर पर शेयर करते हैं तो वो फ्रेंड्स हैं तो वो ट्विटर पर क्लिक करते हैं तो बजाय कि यूट्यूब के आने के वो उधर ही आपकी जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगी ट्विटर पे। यूट्यूब के आने के बजाय वहीं पर आपकी जो वीडियो है यूट्यूब वाली वो ओपन हो जाएगी। तो एक ये जो है बहुत कमाल की अपडेट है। ये सिर्फ ना जो आईफोन है और कुछ कंट्री में आने वाला है, अभी इस पर जो है वर्क नहीं किया गया, मुकम्मल इस पर जो है वो काम नहीं हुआ। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की अमेजिंग जो है वो अपडेट बन जाएगी। क्योंकि जब हम ट्विटर पे क्लिक करते हैं लिंक पे तो हमें यूट्यूब पे ले आते हैं, तो यूट्यूब के पे जाने के बजाय वो हमें ट्विटर पे वीडियो हमारी जो है वो ओपन कर देगा। तो ये थी वीडियो जो छोटी सी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी उम्मीद है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो टेक्नोलॉजी के हवाले से आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।